रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां होटल के महिला कर्मी से दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। महिला कर्मी की अर्धनग्न तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर शोषण करता था। आरोपी युवक ने युवती का वीडियो वायरल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। टिकरापारा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां होटल के महिला कर्मी से दैहिक शोषण करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। महिला कर्मी की अर्धनग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ये शोषण कर रहा था। आरोपी युवक ने युवती का एक वीडियो वायरल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। टिकरापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। चलिए, तहसीन सैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। तहसीन, कैसे पकड़ में है आरोपी? देखिए, ये एक थ्री स्टार होटल है, वहाँ पे ये काम करता है। चंदूलाल साहू इसका नाम आया है। इसने पहले अपने वो जो महिला सहकर्मी थी उसको पहले अपने झांसे में लिया, और उसके बाद झांसे में लेने के बाद उसकी किसी तरह अर्धनग्न हालत में जो कह सकते हैं उसकी तस्वीरें खींची, और उसके आधार पे पिछले एक दो सालों से ये इसको दैहिक शोषण कर रहा था, और साथ में पैसे की भी डिमांड इसने करी थी। और उसके बाद इसका दैहिक शोषण के अलावा जब ये परेशान हो गई और जब इसने धमकी देने लगा पैसों के लिए, तब युवती ने हिम्मत करके, क्योंकि 23 साल की युवती है और वो भी उसी होटल में काम करती है, तो हिम्मत करके पुलिस को बताया। और इतना ही नहीं, ये आरोपी इतना शातिर है, चंद्रलाल साहू रहने वाला धमतरी का है, और ये इसने उस युवती की जो तस्वीरें थी, अश्लील तस्वीरें, वो वायरल भी की, तो उसके आधार पर पुलिस ने आईटी एक्ट का मामला दर्ज किया है। लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया कि रायपुर के प्रतिष्ठित 3 स्टार होटल में काम करने वाले जो युवक है, उसने अपनी जो महिला सहकर्मी है उसकी अर्धनग्न हालत में तस्वीरें खींचकर उसका दैहिक शोषण कर रहा था, पैसे की मांग कर रहा था, उसके अलावा उसकी अर्धनग्न तस्वीरें जो थी वो वायरल कर दी है। उसके आधार पर टिकरापारा थाना पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत में इसको गिरफ्तार कर लिया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए।